हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को जमकर घेरा। कुरुक्षेत्र में कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरा। शैलजा ने कहा कि किसान आंदोलन सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार ने किसानों की मजबूरी को कमजोरी मान लिया है। आज जगह जगह किसान सड़कों पर बैठे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। शैलजा ने कहा कि सरकार कमजोर और नाकाम सिद्ध हो चुकी है। महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि तेल के दाम आसमान छूने से लोग बेहाल हैं। आलम यह है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना था वही जनप्रतिनिधि अब जनता के सामने जाने से डर रहे हैं। देखते हैं टोल पर हो, बॉर्डर पर हो और कई जगह पर किसान मजबूर हो गया। आज उसकी मजबूरी को ये सरकार उसकी कमजोरी मान रही है। हमारा अन्नदाता कभी कमजोर नहीं हुआ है। हमारे किसान और मजदूर की मेहनत से ही इस देश का पेट भरता है और अगर इस बात को ये सरकार नहीं पहचानती तो ये देश के लिए और इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होगा। हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और अगर हम अपने अन्नदाता और मजदूर का ध्यान नहीं रख सकते तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो चरमरा चुकी है, एक और ये और दूसरी ओर कोरोना।